Hello and welcome friends. Today we will find the equation of tangent. For any second degree equation, if point of contact is given. बहुत ही interesting and बहुत ही important एक trick है. अगर इसे आप apply करते हैं, सिर्फ एक ही step में आपका answer आ जाएगा. सबसे पहले हम एक example देखते हैं. Question है y square equal to 2x and point of contact है 2,2. सबसे पहली बात, second degree equation है parabola का, general equation है और 2,2 point है. सबसे पहले आप चेक करेंगे कि tangent find करने के लिए जो आपको point दिया है वो outside the curve है और point lies on the curve. Right now we are talking about equation of tangent at point of contact. अभी हमारे पास 2,2 है जो कि parabola को satisfy कर रहा है. It means 2,2 parabola के ऊपर है. अब हमें find करना है equation of tangent. सिर्फ एक ही statement में answer आएगा and answer will be 2y equal to x plus 2. कोई भी parabola की जगह पे अगर circle होता, ellipse होता, hyperbola होता, कोई भी curve है, सिर्फ एक ही statement में आप answer लिख सकते हैं अगर इस trick का आप use करें तो. सिर्फ दो कंडीशन इसमें इस वीडियो में आपको नोट करनी है. सबसे पहली बात, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स, ये चार कर्व के बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड थिंग इज वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे किया. तो प्रैक्टिकली अगर समझने की ट्राई करें तो वी आर गोइंग टू फाइंड लाइक दिस. ये हमारे पास कर्व है y square equal to 2x और 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे होगा. ठीक है, और हम जो फाइंड कर रहे हैं वो ये इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो फाइंड कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है उसका इक्वेशन होगा ये. अब सवाल ये है कि कैसे करना है. बहुत ही ध्यान से देखना है, जस्ट फॉलो द फोर स्टेप्स. नंबर वन, ऑलवेज रिप्लेस x square by x x1. Second thing is replace y square by y y1. Third thing is replace 2x by x plus x1 and replace 2y by y plus y1. कोई भी second degree equation में अगर ये चार type के changes आप करते हैं और x1 y1 की जगह पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पुट करते हैं तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा. लेकिन ध्यान में रखना है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होना चाहिए. अब इसमें कैसे फाइंड किया होगा, सोचिए. वाई स्क्वेयर को रिप्लेस किया वाई वाई वन से और टू एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस एक्स वन से एंड एक्स वन वाई वन की जगह पे 2,2 पुट कर दिया एंड ये रहा हमारा आंसर just in one line and just in a few second. Let's take another example. अभी हमारे पास एक सर्कल है जिसके इक्वेशन है x square plus y square equal to 25. And we are going to find the equation of tangent at 3,4. Very first thing is to check the position of point. Right now, point is lying on the curve. So equation of tangent will be 3x plus 4y equal to 25. And I hope this time आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से एंड कांस्टेंट टर्म्स विल बी रिमेंस सेम एंड देन x1 y1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी 3x plus 4y equal to 25. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही लाइन में आंसर आएगा अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हैं तो. एक और एग्जांपल लेते हैं.
इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हमारे सामने रख रहा आपके सामने रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, यह है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो वन वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे हम करेंगे माइनस फाइव, वो इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें पता चले। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैंने यहाँ पे वन वन रख के चेक कर लिया, जो इक्वेशन है सर्कल का उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारा काम है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसा कि मैंने बताया ये भी सर्कल है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको फोर टाइप्स ऑफ चेंजेस जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें करने हैं, लेकिन इसमें y जो दिया है वहाँ पे अगर 2y होता तो हम y प्लस y1 कर सकते थे, अगर y स्क्वायर होता तो y इंटू y1 कर सकते थे, लेकिन ये छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि ओनली y है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की जगह पे हम रखेंगे 2y, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ऐसा तो कर सकते हैं। अब जो चार बातें मैंने बताई वो इसमें अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, एंड माइनस y इज कॉन्स्टेंट सो रिमेन सेम एंड इक्वल टू जीरो। नाउ पुट x1 y1 की जगह पे 1 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओनली x प्लस y प्लस x प्लस 1 प्लस 1 बाई टू वाई प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। और अभी जो आपके सामने है उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपके पास है एंड आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में उसका आंसर आप दे सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल ट्रिक है जो टाइम सेविंग है एंड एक्यूरेट आंसर तक पहुंचाती है, तो इसका प्रैक्टिस करेंगे। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं देता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 3x और इसमें अगर मैं पुट करूँ तो 3.3, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है 3.3, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 3x एंड आपके सामने चैलेंज है टू फाइंड द